मैच किया है लड़की को, आप यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते हो, ये कानून का रूल है। 10,000 रुपीज कह रहे, 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। जस्ट शट अप, आई यू जस्ट शट अप, प्लीज जस्ट शट अप। और मैं एक कर सकता हूं, व्हाई यू होल्ड इट, व्हाई यू होल्ड इट, अरे ये चल रहा, छोड़ो रे, छोड़ो रे, छोड़ो रे, चलो प्लीज आराम से, आराम से ना, कुछ बोले ना, तो ये यूर बाबा पंपिचे वेल्ले आने पंपिचारा आ छोड़ो क्या छोड़ो नहीं किया जाएगा दर्शन। मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज कह रहे, 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस उसने मुझे ऐसा धक्का मारा, मेरे को बाहर खसीटता हुआ लेके नाम पे, ये लोग भगवान के नाम पे इतना पैसा ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? दिखाऊंगी। और ये लोग ये बोलते हैं कि 10,000 रुपए आप दे दीजिए, हम आपको दर्शन अलाउ करा देंगे। तो मैं टच किया है लड़की को, आप यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते हो, ये कानून का रूल है। तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। अभी क्या हुआ, मैंने मैं 4 दिन पहले आई थी तो इन लोगों ने बोला था कि दर्शन अवेलेबल नहीं है, 3 महीने के बाद दर्शन है। मैंने उनको बोला कि पहले दर्शन कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला किसी मिनी मंत्री के लेटर पैड पे आप लिखवा के दे दीजिए, हम आपको अलाउ कर देते। तो मैंने किसी मंत्री के लेटर पैड पे लिखवा के दिया। यस्टरडे इन्होंने बोला था 1 दिन पहले आपको सबमिट करना फॉर्म और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। मैंने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद में क्या हुआ, आज जब मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका टाइम निकल गया, आपका टाइम 12 बजे तक था, और जबकि टिकट पे कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है कि इतने बजे टिकट दर्शन होंगे, इतने बजे नहीं होंगे। मैं अंदर गई, मैंने उनको बोला, क्योंकि 12 बजे तक दर्शन था, मैंने उनको बोला सर 12:30 इज देयर, आधा घंटा लेट हुआ, इन्होंने अलाउ नहीं किया। मैंने उनको बोला सर मैं एमएलए कैंडिडेट हूँ, मुझे तो आप कर दीजिए, क्योंकि मैं दूर से आई हूँ। इन लोगों ने क्या किया, मुझे यहाँ पे इन्होंने धक्का मारा। मैं अभी वीडियो पोस्ट करूंगी आपको, थोड़ी पोस्ट हुई है बट नहीं हुई है। पुलिस वाले भी ये लोग आए थे, इन्होंने भी पकड़ा। उसके बाद में उसने मुझे ऐसा धक्का मारा, मेरे को बाहर खसीटता हुआ लेके गया है। तो अभी मैंने जस्ट 100 नंबर पे कॉल किया है, पुलिस आ रही है, और मैं सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। और ये लोग ये बोलते हैं कि 10,000 रुपए आप दे दीजिए, हम आपको दर्शन अलाउ करा देंगे। तो मैंने कहा 10,000 इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि 5 लोग हैं। तो कहते 50,000 इज नथिंग फॉर यू, आपके लिए 50,000 रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एमएलए कैंडिडेट हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो बालाजी के नाम पे, ये लोग भगवान के नाम पे इतना पैसा ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप खुद बताइए। मैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि ये क्या किया हुआ है आप लोगों ने, इतना भ्रष्टाचार ये लोग भगवान के नाम पे बना रहे हैं, क्या ये सही है? अभी मैंने पुलिस को बुलाया है, मे भी पुलिस आती होगी, और मैं सारा पर्दाफाश करूंगी इन लोगों का कि ये लोग जो 10,000 रुपए लेते हैं। और आपको वो वीडियो भी दूंगी जिसपे इन लोगों ने मुझको
ऐसा टच किया है लड़की को, आप यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते हो, ये कानून का रूल है। अब मुझे इनसे पूछना है इन्होंने किस हक से मेरे यहाँ पे हाथ लगाया है, आप लोग बताएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम लोग अभी अंदर गए हुए क्योंकि मैं अभी पुलिस का इंतजार कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, पूरा मुद्दा था, पूरी वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, ये एक कांग्रेस नेत्री है, कांग्रेस नेता है, इन्होंने आरोप लगाया है बालाजी तिरुपति धाम पर कि वहाँ की जो व्यवस्था है, कर्मचारी है, उन्होंने पैसे लेकर दर्शन करने के लिए इनसे कहा, 10,000 रुपये की मांग की। दोस्तों इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको, आप इस मुद्दे के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। ऐसे देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सी वीडियो बनते हैं, तिरुपति बालाजी ने ही VIP दर्शन के नाम पर बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है, जो कि कुछ पैसों की मांग की जाती है और VIP दर्शन कराए जाते हैं, ये वीडियो वायरल से पता चलता है। लेकिन ये जो कांग्रेस अभिनेत्री हैं, कांग्रेस नेत्री है, कांग्रेस नेता है, इन्होंने भी एक आरोप लगा दिया है कि किस प्रकार से तिरुपति बालाजी धाम में इनसे 10,000 रुपये के नाम पर VIP दर्शन के नाम पर पैसों की मांग की, इनके आरोप है। इस पर देश की जनता किस प्रकार सोचती है, दोस्तों आप पूरी वीडियो देख ही चुके होंगे, तो अपनी राय, देश की राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, सभी हिंदुस्तानी अपनी राय जरूर दें इस व्यवस्था के बारे में, VIP दर्शन के बारे में सभी लोग अपनी राय जरूर दें, क्या देश में VIP दर्शन होने चाहिए मंदिरों में या नहीं, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्या पैसों के दम पर VIP दर्शन होने चाहिए या नहीं, कमेंट करके दोस्तों अपनी राय जरूर दें। और हमसे जुड़ने के लिए व्यूज नेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों कमेंट जरूर करनी है और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि देश की जनता इस मुद्दे के बारे में क्या सोचती है। जय हिंद, जय भारत।